होली बीत गया, बकरे की दुकान पर भीड़ लग जाती है। होली बीत गया, मुर्गे की दुकान पर, मछली मटन के दुकान पर भीड़ लग जाती है। कहते हैं अच्छे किस्म वाला गोश्त देना भैया, 2 किलो हमें देना, 3 किलो हमें भी दे देना, 1 पाव पचौनी दे देना, 1/2 किलो कलेजी दे देना, 1 भेजा दे देना, 3 भेजा कर देना भैया। ये तमाम चीज़ें बकरे की दुकान पर देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, लेकिन होली के बाद ये तमाम चीज़ें नवरात्रि के बाद दुकानों पर उमड़ने वाली भीड़ के जरिए आप सुन सकते हैं। लेकिन चिकन मटन पाया नहारी खाने वाले शुद्ध शाकाहारी, जैन दोस्तों मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। बकरे की दुकान से लेकर मुर्गी की दुकान तक कहीं भी जीव जंतुओं का खैर नहीं है। दबाकर खाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, बस दिक्कत तब होती है जब कोई खास त्यौहार होता है, उस वक्त भीड़ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन थोड़ी कम होती है। और जैसे ही त्यौहार बीतता है उसके बाद तो फिर भूखे शेर की तरह मुर्गे के दुकान पर, मछली के दुकान पर, अंडे की दुकान पर लाइन लगने लगती है। बकरे की दुकान पर तो मारामारी हो जाती है, भैया 600 नहीं 1000 रुपए का, कोई बात नहीं है, जेब से निकाला एक दिया, चल भाई दे हमारा 2 किलो बकरा, चल भाई दे। दारू की दुकान पर पहुंचते हैं, कहते हैं ले हमने मटन लिया है, हम आज दबा के खाएंगे, ठूस ठूस के खाएंगे, चिकन लिया है खूब खाएंगे। लेकिन अफसोस कि इस तरह की भीड़ में मुसलमान आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब बकरीद का वक्त आता है तब एक खास तरीके की भीड़ एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। वो गिरोह अपने सरगना के एक इशारे पर वो खड़ा हो जाता है और कहता है जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है। भैया जिस देश में 80% लोग गोश्त खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, उस देश के लोगों को आप कह रहे हैं कि जीव हत्या पाप है। लेकिन ये जीव हत्या पाप है तब निकलता है मुंह से जब बकरा ईद का मौसम आता है। जैसे ही बकरा ईद को आने में 10 दिन 15 दिन 20 दिन या 1 महीना रह जाता है, वैसे ही कट्टरपंथी संगठन सड़क पर उतर जाते हैं, बकरों की निगरानी करने लगते हैं, बकरों से भरी गाड़ियों को चेक करने लगते हैं और कहते हैं जीव हत्या पाप है। खुद मिल जाए तो दबा के खा लेंगे, बाद में कहेंगे जीव हत्या पाप है। पेटा वाले भी इसी मौसम का इंतजार करते हैं और बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं और कहते हैं मैं जीव हूँ मांस नहीं। गेरुआ टोला तो इसी मौके का इंतजार करता रहता है, चाहे VSP हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे RSS का कोई और जमात हो, वो यही कहता रहता है कि भैया जीव हत्या पाप है, जीव की हत्या ना करो, ये जीव हत्या पाप है। मॉब लिंचिंग में बेगुनाहों को पीट पीट कर मार दिया जाता है और मारने वाले कहते हैं जीव हत्या पाप है। गौ हत्या के नाम पर किसी को भी बीच सड़क पर पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, उनको पेड़ से बांध करके पीटा जाता है, तब तक पीटा जाता है जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। लेकिन ये वही लोग हैं जो मौका मिलते ही कहते हैं पाप है। इसमें आम हिंदू नहीं होता, क्योंकि ये वो कट्टरपंथी संगठन है जो अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं और हिंदुओं के नाम पर पूरे देश को बदनाम करते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो दबा के खाते हैं, बगैर दबाकर खाए रह भी नहीं पाते। देश में कई अनगिनत मंदिर ऐसे हैं जहां गोश्त मांस प्रसाद के तौर पर दिए जाते हैं, कई मंदिरों में बलि चढ़ाई जाती है, तलवार गड़ासे के दम पर एक ही झटके में बकरे जानवर भैंस गाय का सिर अलग कर देने की घटना को बलि कहा जाता है। और इस बलि प्रथा के तहत जानवरों की हत्या कर दी जाती है, उनका कत्ल कर दिया जाता है सिर्फ खाने के लिए, पूजा के नाम पर प्रसाद बांटने के लिए। लेकिन उस वक्त कोई नहीं कहता कि जीव हत्या पाप है, बकरीद नज़दीक आ गई इसलिए जीव हत्या पाप है। पूरा केरल दबाकर बीफ खाता है, गौमांस खाता है, लेकिन जब बकरीद आती है तो लोग कहते हैं जीव हत्या पाप है। गोवा BJP शासित है, वहाँ दबाकर बीफ का इस्तेमाल होता है, बड़े के गोश्त इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से बड़े में गोश्त आते हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ सरकार अपने तरह से व्यवस्था करती है कि नहीं आम कमी नहीं होने देंगे, बीफ तो हर हाल में आएगा, बीफ होता है। भारत से हजारों कुंटल टन लद लद कर गोश्त अरब के देशों में जाता है, बड़े का गोश्त जाता है, बीफ जाता है, बीफ। लेकिन हिंदूवादी संगठन, कट्टरपंथी संगठन, बजरंग दल संगठन, RSS, VSP कहता है जीव हत्या पाप है। उसी बिहार में जो नहीं कटना होता है वो भी कट जाता है, मांस के तौर पर बिक जाता है, फिर भी बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद कहता है जीव हत्या पाप है।
बंगाल में साल के 12 महीने मछली का खाना होता है, बगैर मछली खाए कोई नेवाला अंदर नहीं जाता, लेकिन वीएसपी आरएसएस कहता है जीव हत्या पाप है। उड़ीसा में खाने वाले अच्छे खासे लोग हैं, खूब खाते हैं, साल के 12 महीना खाते हैं, खाने को अपना धार्मिक अधिकार समझते हैं, लेकिन वीएसपी बजरंग दल कहते हैं जीव हत्या पाप है। उसी केरल में जहां सबसे ज्यादा मांस खाया जाता है, गोश्त खाया जाता है, बीफ खाया जाता है, वहीं बीजेपी वादा कर चुकी है कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम अच्छे किस्म का शुद्ध बढ़िया वाला बीफ उपलब्ध कराएंगे। पूरा नॉर्थ ईस्ट दबाकर बीफ खाता है, गौ मांस खाता है। बजरंग दल, आरएसएस, वीएसपी कहते हैं जीव हत्या पाप है, जीव की हत्या मत करो, क्योंकि जब बकरीद का मौसम आता है तब खुद ये लोग उछल कूद करने लगते हैं। और कुल जमा ये है कि गुजरात के अहमदाबाद में इस वक्त बकरों से भरी एक गाड़ी को वीएचपी और आरएसएस के लोगों ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया, उनके पास बकायदा डॉक्यूमेंट है, परमिट है मांस बेचने का, जानवर बेचने का, जानवरों को गाड़ी में भरकर ले जाने का, ये तमाम सरकारी दस्तावेज उनके पास मौजूद है। लेकिन जीव हत्या के नाम पर हंगामा करने के लिए वहाँ महिलाओं को आगे खड़ा कर दिया गया है, और आगे खड़ा करके ड्राइवर को पीटा जाता है, जीव हत्या पाप है का नारा लगाया जाता है, जय श्री राम का बिगुल बजाया जाता है, नारा लगाया जाता है जय श्री राम, जीव हत्या पाप है। पर सवाल है कि ये तमाम चीज़ें बकरीद पर है क्यों? बाकी महीनों में तो दबा के खाया जाता है, खूब खरीदा जाता है, चिकन मटन पाया नहारी, खाने वाले सर्वाहारी। लेकिन भारत में ये काम हो रहा है, और भारत में ये जानते हुए भी कि ज़्यादातर लोग मांस खाते हैं। हम इसका ताज़ा मिसाल आपको बता देते हैं, जो लोग इसको धर्म से जोड़कर देखने लगेंगे, अगर धर्म से जोड़कर देखने लगेंगे तो मंदिरों में 8 ऐसी जगह हैं भारत में ही जहां मंदिरों में प्रसाद के तौर पर मांस दिया जाता है, गोश्त दिया जाता है। आपके सामने मैं खबर दिखा रहा हूँ जनसत्ता.com के जरिए 22 जुलाई 2022 की एक खबर है, जिसमें जनसत्ता लिखता है कि कहीं मटन बिरयानी तो कहीं चिकन, भारत के इन मंदिरों में प्रसाद में चढ़ाया जाता है मांस। जनसत्ता बता रहा है कि तमिलनाडु के मुनियांदी स्वामी मंदिर में चिकन और मटन बिरयानी बतौर प्रसाद मिलता है। उड़ीसा के पुरी में स्थित विमला देवी मंदिर में मटन और मछली से बना प्रसाद मिलता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित तरकुल्लाहा देवी मंदिर में बकरे का मांस प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है। केरल में पारसिनिक करयू मंदिर में मछली और ताड़ी चढ़ाया जाता है। पश्चिम बंगाल में मशहूर काली घाट मंदिरों में बकरे का मांस चढ़ाया जाता है। असम में कामाख्या देवी मंदिर में मछली और मीट का भोग लगाया जाता है। बंगाल में तारापीठ मंदिर में मछली और मीट प्रसाद के तौर पर मिलता है। पश्चिम बंगाल के ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मछली को प्रसाद के तौर पर चढ़ाया और बांटा जाता है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन चूंकि बकरीद नज़दीक आ रहा है इसलिए हंगामा करना ज़रूरी है। हंगामा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कट्टरपंथी जो संगठन है उनकी नज़र में मुसलमान सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो माइनॉरिटी तबका है वो सबसे ख़राब उनकी नज़र में होता है, क्योंकि ये मांस खाते हैं। मांस इसलिए खाते हैं क्योंकि वो मांस को भोजन समझते हैं। अब आज के आधुनिक दुनिया में अगर ये कहा जाए कि साग सब्जी में जीव नहीं है, जीवन नहीं है, उसमें ब्लड नहीं होता, उसमें रक्त नहीं होता, उसमें किसी की हत्या नहीं होती, उसमें कोई शोर नहीं होता, चिल्लाया नहीं जाता, तो आज के दौर में मॉडर्न साइंस ये कहती है जीवन सिर्फ मांस मछली में नहीं है, बल्कि पेड़ पौधे फूल पत्तियों में भी है, यहाँ तक कि सब्जियाँ ली जाती हैं उसमें भी जीव होता है, वो भी चिल्लाते हैं, उनका भी रक्त बहता है। चूँकि हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम उस दुख तकलीफ को सुन सकें, अपनी आँखों से देख सकें, लेकिन उनको भी दर्द होती है, तकलीफ होती है। लेकिन खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई हिंदू मांस खाए, चाहे मछली खाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपने मुंह से खा रहा है, किसी मुसलमान का मुंह मांग करके वो नहीं खा रहा है, वो अपने मुंह से खा रहा है। अभी 2 साल पहले ही अप्रैल के महीने में एबीपी न्यूज़ ने एक सर्वे का हवाला दिया था और ये बताया था कि भारत में 90% लोग गोश्त खाने वाले। अब सवाल यह है कि मांस के नाम पर जब बकरीद आता है तभी इतना हंगामा क्यों हो जाता है, जबकि खाने वाले बहुत तरह के लोग हैं। यहाँ तक कि संघ में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, लेकिन खाने से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है फलाने के चूड़ी टाइट हम कर दें, उससे ज़्यादा दिक्कत है। बुलडोज़र के नाम पर किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाता है, और इशारा साफ तौर पर होता है कि बुलडोज़र हम किन पर चलाएंगे और किन पर चलाने के लिए हम लोग
फेमस हो गए, ये बताने की कोशिश होती है। लेकिन देश अब इन चीज़ों को देख रहा है, उसे मालूम है कि हर चीज़ का जवाब मुसलमान नहीं होता। अगर सड़क पर घूमने वाला बेरोजगार आपसे रोजगार मांगता है तो आप ये नहीं कह सकते कि देखो हमने मुल्लों को चूड़ी टाइट कर दी। अगर एजुकेशन की डिमांड होती है कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम एजुकेशन मांग रहे हो, देखो हमने मुसलमानों को ठीक कर दिया। अगर बढ़ती महंगाई की वजह से गरीबों को परेशानी हो रही तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हें खाने की पड़ी है, हमने यहाँ मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी, मुसलमानों का नट मोल्ट ढीला कर दिया, मुसलमानों को सुधार दिया, उनके सबक सिखा दिया, हमने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये कह करके आप जवाब नहीं दे सकते। और इस बार का जो चुनाव है, जो बीजेपी ने सांप्रदायिकता फैला करके जीतना चाहा है, उसी का मुंह तोड़ जवाब है कि बीजेपी अपने वजूद से भी बिल्कुल कम आ गई, बिल्कुल नीचे आ गई। और शायद आगे आने वाले दिनों में और भी हालत इनकी खराब हो सकती है, लेकिन देश में सांप्रदायिकता अभी चरम पर है और कोशिश ये हो रही है कि सियासी तौर पर किस तरह से इसको भड़काया जाए। इसी का उदाहरण है अहमदाबाद में, जहां वीएसपी और बजरंग दल के लोग हंगामा कर रहे हैं, जीव हत्या के नाम पर हड़कंप मचा रहे हैं। फिलहाल अपने बाल बच्चों को इस तरह की भीड़ से बिल्कुल दूर रखिए। इस भीड़ में कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई इंजीनियर नहीं होता, इस भीड़ में वही लोग होते हैं जिनको एक पौवा दारू मिल जाता है, वो उसी दारू को पीकर खुश हो जाते हैं, बेरोजगारी के लिए 150 रुपए जेब खर्च के लिए मिल जाते हैं, उसी में वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और ये भीड़ उसी बैकवर्ड और SC ST समाज की है, जिनको फिलहाल इन लोगों से दूर रहना चाहिए अगर वो अपनी भलाई चाहते हैं। क्योंकि जिन नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे होते हैं, वही नेता कहते हैं कि बजरंग दल का समर्थन कर रहे हैं, वही नेता कहते हैं कि हम संघी हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम तबरेज को दीजिए इजाजत। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।